क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट हमने कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। x over x minus y, y over x plus y minus 2xy divided by x square minus y square। तो सबसे पहले हम ये टू फ्रैक्शन इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ये हमारा बन जाएगा x minus y into x plus y, यानी जो डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे रहेगा। जब डिवाइड करेंगे ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, ये आपका आंसर है, ये ऊपर मल्टीप्लाई यानी x into x plus y माइनस x plus y, x plus y से कैंसिल, ये आपका आंसर है, ये ऊपर मल्टीप्लाई यानी y into x minus y माइनस 2xy ओवर x square minus y square। फिर ये x इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के साथ, इधर भी यही काम, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, नीचे क्या बन गया x square minus y square माइनस 2xy x square minus y square, ये वैल्यू इसे कैंसिल, x square plus y square और x square minus y square। अब इन दोनों का एलसीएम लिए तो सेम डिनोमिनेटर तो यही एलसीएम हो जाए, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, वन आंसर वन ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऐसे ही वैल्यू रह जाएगा, सेम ऐसे इसको डिवाइड किया वन आंसर ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऐसे। फिर हम देखते हैं ये जो ऊपर वाली वैल्यू ये स्केयर नहीं, बात करें तो ये एक्स माइनस वाई होल स्केयर नहीं, ये स्केयर को ओपन करें तो यही रहती है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस टू एक्स, और नीचे जो है स्केयर चले फैक्टर पर रहती है एक प्लस वाई ऊपर माइनस। अब एक्स माइनस वाई सेम बेस है तो बेस वन टाइम निकल, पावर जो है इकट्ठी कर देना चाहिए, ये नीचे इसकी वन पावर है, ये जब ऊपर जाएगी ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस वन, तो एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, ये हमारा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट फाइव पार्ट और सिक्स पार्ट, ये आपने एज अ होमवर्क खुद ट्राई करनी है, ना आए तो मुझे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज कर देना, इंशाल्लाह ये मैं कल को सॉल्व कर दूँगा। यानी एक्सरसाइज 4.1 आज की जो डायरी है, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5, इसको आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करना, कोई प्रॉब्लम हो मुझे किसी भी वक्त आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।